दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेजर शैतान सिंह के बारे में। ये वो वीर योद्धा था जिसने चीन के कई फौजियों को ढेर कर दिया था। लद्दाख की ठंड और कलेजा जमा देने वाली हवाएं, न गर्म कपड़े, न पर्याप्त हथियार, ऐसे में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में भारत की सेना ने चीन से मुकाबला किया था। मेजर शैतान सिंह के नाम पर चीन की सेना आज भी कांपती है। आपको बता दें कि इन्होंने साल 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन की सेना से जंग लड़ी थी। उस वक्त सेना के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। दोस्तों आपको बता दें कि मेजर शैतान सिंह का जन्म जोधपुर राजस्थान में 1 दिसंबर सन 1924 को हुआ था। शैतान सिंह का पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उन्हें 1962 में हुई भारत चीन जंग के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें साल 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। अक्टूबर 1962 जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, जब 13वीं कुमाऊनी बटालियन की सी कंपनी लद्दाख में तैनात थी। बटालियन में कुल 120 जवान थे। 1962 की जंग में भारतीय जवानों ने रेंजांगला में चीनी सैनिकों का सामना किया, जिसकी अगुवाई शैतान सिंह कर रहे थे। बता दें कि चीन ने भारत में हमला उस वक्त किया जब हमारे जवानों के पास ऐसे हथियार नहीं थे जो कि चीन का मुकाबला कर सके। साथ ही भीषण ठंड से बचने के लिए कपड़े भी नहीं थे। सैनिकों को पतले कपड़ों में माइनस के टेम्परेचर में युद्ध लड़ना पड़ा। 18 नवंबर 1962 का ही वो दिन था जब चीन ने अपने सैनिकों के साथ भारत पर हमला बोल दिया था। बता दें कि भारत के पास 120 ही सैनिक थे और करीबन चीन के पास 2000 सैनिक थे। जब शैतान सिंह को आभास हुआ कि चीन की ओर से बड़ा हमला होने वाला है, उन्होंने अपने अधिकारियों को रेडियो संदेश भेजा और मदद मांगी। दुख की बात यह है कि उन्हें कहा गया कि अभी मदद मुमकिन नहीं है। इसी के साथ उन्हें कहा गया कि वे अपने सैनिकों को लेकर वापस पीछे हट जाएं। मेजर शैतान सिंह ने पीछे न हटने का फैसला लिया। वो ये बात खूबी जानते थे कि वक्त कम और चीन के सैनिक कभी भी हमला बोल सकते हैं। ऐसे में तुरंत उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, हम 120 हैं और दुश्मन की संख्या हमसे ज्यादा हो सकती है। पीछे से कोई हमें मदद नहीं मिल रही है। हो सकता है हमारे पास मौजूदा हथियार कम पड़ जाएं। हो सकता है कि हम में से कोई ना बचे और हम सब शहीद हो जाएं। जो भी अपनी जान बचाना चाहते हैं वो पीछे हट जाएं और आजाद हैं, लेकिन मैं मरते दम तक मुकाबला करूंगा। शैतान सिंह का मानना था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। इस मीटिंग के बाद एक रणनीति तैयार की गई। शैतान सिंह ने कहा कि हमारे पास संसाधन कम है और दुश्मन की संख्या ज्यादा है। ऐसे में कोशिश करें कि एक भी गोली बर्बाद ना जाए, हर गोली निशाने पर लगे। इसी के साथ दुश्मन के मारे जाने पर उनसे बंदूकें छीन ली जाए। चीनी सेना ये मान चुकी थी कि भारतीय सेना ने चौकी छोड़ दी है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका सामना जाबाज शैतान सिंह और उसके वीरों से है। सुबह के करीब 5 बजे भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना पर गोलाबारी शुरू कर दी। कुछ ही देर में हर तरफ दुश्मन की लाशें पड़ी थी। जब कुछ चीनी सैनिक मारे गए, उस वक्त मेजर शैतान सिंह ने कहा कि ये मत समझना कि युद्ध का अंत हो गया है, ये तो शुरुआत है। जिसके बाद चीन ने दोबारा आक्रमण किया। जब तक भारतीय सैनिकों के पास गोलियां लगभग खत्म हो गई थी, उस वक्त 5 से 7 गोलियां उनके पास बची थी। चीन ने रेंजांगला पर मोर्टार तथा रॉकेट से बंकरों पर गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय सैनिकों को केवल अपने जोश का सहारा था, क्योंकि रेंजांगला पर बंकर नहीं थे और दुश्मन रॉकेट दागे जा रहा था। इसी बीच शैतान सिंह के हाथ में गोली लग चुकी थी। शैतान सिंह ये बात अच्छे से जानते थे कि 2000 चीनी सैनिकों के सामने 120 भारतीय हार जाएंगे। इसके साथ वो ये जानते थे कि यदि सभी जवान शहीद हो गए थे, भारत के लोग और सरकार ये बात कभी नहीं मान पाएगी कि आखिर रेंजांगला में क्या हुआ था। जिसके बाद उन्होंने 2 घायल सैनिकों से कहा कि वो तुरंत यहाँ से चले जाएं। इन दोनों सैनिकों का नाम रामचंद्र और निहाल सिंह था। आपको बता दें कि निहाल सिंह को चीनी अपने साथ ले गए थे। 13वीं कुमाऊं के इस पराक्रमी पलटन में केवल 14 जवान जिंदा बचे थे। इनमें से 9 गंभीर रूप से घायल थे। बता दें कि भारत के 120 जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं चीन ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में कबूल कर लिया कि 1962 के युद्ध में उसे ज्यादा नुकसान हुआ था। युद्ध को खत्म हुए 3 महीने हो गए थे। ऐसे में शैतान सिंह के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। रेंजांगला की बर्फ पिघली और रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना के जवानों ने उन्हें खोजना शुरू किया। तब एक गडेरिया अपनी भेड़ चराने के लिए रेंजांगला की ओर जा रहा था। वहीं उसे बड़ी चट्टान में वर्दी नजर आई, जिसके बाद उसने ये सूचना मौजूदा अधिकारियों को दे दी। गडेरिया की खबर के बाद सेना वहां पहुंची। उन्होंने जो देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। एक एक सैनिक उस दिन भी अपनी अपनी बंदूक के थामे ऐसे बैठे थे जैसे मानो अभी लड़ाई चल रही है। उनमें शैतान सिंह भी अपनी बंदूक थामे बैठे थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे मानो अभी भी युद्ध के लिए तैयार हैं। ये तो मालूम नहीं चल पाया कि युद्ध कितनी देर तक चला,
पर भारत के जवान अपनी अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ते रहे और लड़ते लड़ते बर्फ के आगोश में आ गए। मेजर शैतान सिंह का उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उन्हें देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि आज रजांगला शूर वीरों का तीर्थ माना जाता है। मेजर शैतान सिंह भी एक ऐसे ही शख्स के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं जो साल 1962 में महज 37 वर्ष की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए थे। दोस्तों, उनकी शहादत को हमारा सलाम है और यही वजह है कि चीन बार बार भारत के साथ पंगे नहीं लेता है, क्योंकि उसको पता है कि भारत का एक सैनिक उनके कई सैनिकों पर भारी है। दोस्तों, मेजर शैतान सिंह ही नहीं, इनके अलावा राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की भी कहानी ऐसी ही है। दोस्तों, उन्होंने भी 300 चीनी सैनिकों को अकेले ही मार गिराया था। तो दोस्तों, भारत की जो ये भूमि है वो वीरों से भरी हुई है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका मेजर शैतान सिंह के बारे में क्या कहना है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।